देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अक्षय की जान बचाने के लिए अपराजिता को तप करना होगा, क्योंकि अपराजिता आज भी अक्षय की धर्मपत्नी है। हेलो मामा, आपने वो सीसीटीवी फुटेज चेक किया जो मैंने आपको भेजा था? उसमें वो ट्रक तो मुझे दिखाई दे रहा है, पर उसके पीछे का नंबर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सुनो बेटा, वहाँ और भी तो आसपास में दुकानें होंगे ना, उन दुकानों के बाहर भी तो सीसीटीवी कैमरा होगा। उनको देखने की कोशिश करो, उनको देखोगे ना तो शायद पता चल जाएगा कि वो ट्रक कहाँ से आया, क्या नंबर था उसका। मम्मा यू आर राइट, एक काम करते हैं, मैं और निया पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस की हेल्प से सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। नहीं नहीं बेटा, इतनी रात को पूजा को सिर्फ 4 घंटे रह गए हैं। गुरुजी की कही बातें झूठ नहीं होती, उनकी बात मान। अक्षय की जान बचाने के लिए तप में बैठेगी ना? अम्मा वो थोड़ी देर के लिए हमको बाहर जाना था किसी जरूरी काम से, हमने दिशा। घर के बाहर नहीं जा सकती बेटी। बेटी, बड़ी मुश्किल से मैंने इस घर की शुद्धि की है। यह कोई साधारण पूजा नहीं, बल्कि पत्नी के द्वारा पति के लिए किया जाने वाला तप है। इसके लिए साधना की आवश्यकता होती है। नकारात्मक शक्तियां कभी भी बाधा डाल सकती हैं, इसलिए इस तप के संपन्न होने तक तुम्हें मेरी देखरेख में इस घर में ही रहना होगा। बिट्टी, अक्षय ने गुरुजी की बात नहीं मानी तो उसका परिणाम तो देख लिया ना तुमने। मान जाओ बिट्टी। बेटा वो हमको ही। मामा मैंने सब सुन लिया। आप एक काम करो, आप दादी के साथ रहो, हम सब मैनेज कर लेंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है? बाय। माँ, वीर ने हमसे प्रॉमिस किया है कि वो अपने डैड के साथ मिलकर पापा का पता जरूर लगाएगा। हमें उस पर और उसकी कही हर बात पर पूरा भरोसा है। ऐसे बताऊं बेटा कि हमें सबसे ज्यादा शक वीर पर ही है। तुम्हारे पापा के गायब होने के पीछे कहीं ना कहीं उसी का हाथ है। बस मोहिनी किसी तरह उससे सच गुलवा ले। क्या जरूरत है ये सब करने की? अरे कम से कम मुझे तो बता दिया होता कि इस सब के पीछे तेरा हाथ है। मैं अंकल को चोट पहुंचाने के मकसद से नहीं गया था पापा, मुझे तो बस वो फोन चाहिए था जिसमें वो वीडियो थी। लेकिन जब मैं उनके पास गया, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने उनके सर में डंडा मार के उन्हें बेहोश कर दिया। अगर उन्होंने सब कुछ छवि को बता दिया तो पागल हो गया उस लड़की के चक्कर में। ऐसी तो तू पहले उस रितिका के चक्कर में पागल हो गया था। मुझसे गलती हो गई बेटा, अगर मैंने उस लॉन्ड्री वाली की लड़की को पहले ही मरवा दिया होता ना तो सब ठीक हो जाता। खबरदार, छवि को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी था। तुम्हारे बीच कोई नहीं आ सकता, ना आप और ना ही उसका बाप। जिसने भी वो वीडियो अपराजिता आंटी को भेजी है उसका पता करो, जल्दी से जल्दी, समझे? बताओ वीर, कहाँ अक्षय, क्या किया तुमने उसके साथ? क्या कर रही हो, क्या कर रही हैं आप? मुझे क्या पता अंकल कहाँ पे है। अक्षय जो मोबाइल रिपेयर कराने के लिए लेकर गया था उसमें रितिका का कन्फेशन था। तुम नहीं चाहते थे ये बात बाहर आए, इसीलिए तुमने अक्षय को गायब कर दिया ना? क्या बोल रही हैं आप, और किस कन्फेशन की बात कर रही हैं आप? सुनील जी, इससे कहिए मुझे सब कुछ साफ साफ सच सच बता दे, वरना मैं अभी के अभी अपराजिता और छवि को कॉल करके सब कुछ रितिका के बारे में बताती हूँ, बता दूंगी कि क्या हुआ था उसके साथ। आपका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा और तुम छवि के साथ कभी शादी नहीं कर पाओगे। एक मिनट, मैं बात करता हूँ। बेटा तुम्हें कुछ भी पता है तो बता दो। अरे कुछ नहीं पता है मुझे, और छवि को मुझसे कोई नहीं छीन सकता और अक्षय को मुझसे कोई छीन नहीं सकता, समझे?
तुम उस दिन पार्टी से कुछ देर के लिए गायब हुए थे। सो अपना ये नाटक बंद करो, मुझे सब कुछ सच सच बता दो, वरना एक मिनट मोहिनी, बताता हूं। खुशी का मौका है। अरे ऐसा भी तो हो सकता है दारू वारू पी के कहीं पड़ गए हो। बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास इस तरह के। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? हम कह रहे हैं ना वो ऐसे आदमी नहीं है, खबरदार उनके बारे में आगे से ऐसा कुछ भी बोला तो। मैडम ये पुलिस स्टेशन है, समझी? आवाज नीचे करके बात कीजिए। मैंने आपको कहा ना कि 24 घंटे से पहले कोई मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हो सकती है। आप जाइए, हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। अब क्या करेंगे? अब करना क्या है? हमें खुद ही सारे दुकानों पे जाना होगा, सीसीटीवी फुटेज मांगने, रिक्वेस्ट करनी होगी उनको। रुको, मैं जानती हूँ सर ने आपकी मदद करने से मना कर दिया है। मैं आपकी सब बातें सुन चुकी हूँ, लेकिन मैं आपकी हेल्प करूंगी। पर मैम, आप आपके सीनियर के अगेंस्ट जाके हमारी हेल्प करना क्यों चाहेंगी? बरसों पहले मेरे पापा जी की मिसिंग कंप्लेंट भी किसी ने नहीं लिखी थी, और जब तक वो घर वापस आए ना बहुत देर हो चुकी थी। अफसोस पापा ने उनकी लाश घर वापस आई थी। मैं छवि के साथ ही था। वो ये देखिए, छवि, मुझे पूरा यकीन है अंकल पे कि उनके बीच जो कमरे में बात चल रही है उसमें वो आंटी को मना लेंगे और नहीं चेंज होगी हमारी शादी की डेट। देख लिया ना, छवि के ही साथ था। ये वीडियो रिकॉर्ड कौन कर रहा था? और तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। वो एक्चुअली मेरा दोस्त आया था कॉकटेल पार्टी को शूट करने, तो जब वो शूट कर रहा था तब उसने मुझे और छवि को बात करते हुए देख लिया, तो बस हमें चिढ़ाने के लिए उसने ये वीडियो बना ली। और आप चाहो तो मैं आपकी उससे बात भी करा सकता हूँ। दो। नहीं, रहने दो। इतने कॉन्फिडेंस से ये झूठ तो नहीं बोलेगा? रितिका के कन्फेशन वाली बात मैं पहली बार आपसे सुन रहा हूँ। अगर कोई ऐसी वीडियो होती भी और अंकल ने देख भी ली होती तो सबसे पहले मैं आपके पास आता आंटी, हेल्प मांगने। आंटी मैं छवि से बहुत प्यार करता हूँ, मैं छवि के पापा को कैसे हर्ट कर सकता हूँ, आप खुद ही बताइए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, I just don't get it, अक्षय है कहाँ? अब हो सकता है इसमें हमारे विपक्ष का कोई हाथ हो। दंगों के समय में अक्षय और अपराजिता, उन्होंने उनका पूरा खेल बिगाड़ दिया था, और वो अक्षय से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मोहिनी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम जल्द से जल्द अक्षय को ढूंढ लेंगे। आप चाहिए मायने को तो हमने किसी तरह से चलता कर दिया, लेकिन उस लॉन्ड्री वाली को हल्के में मत लेना। अक्षय को सूंघते हुए कहीं भी पहुंचाएगी। हेलो, हाँ, फ्रीजर का टेम्परेचर थोड़ा और कम कर दो। जब तक आंटी उसे ढूंढेगी तब तक हमारा काम हो चुका होगा, उसे अक्षय सिंह की लाश मिलेगी। इस पूजा का प्रयोजन तब सफल होगा जब वो पूरे मन से इस तप में बैठेगी। आधे अधूरे मन से की हुई विधि का कोई असर नहीं होगा। हे भगवान, हमारे अक्षय की रक्षा करना। माँ,
हम जानते हैं कि आप और पापा अलग हो चुके हो। हम जानते हैं कि पापा ने आपके साथ जो कुछ भी किया बहुत गलत किया, पर वो हमारे पापा हैं और उनकी जान खतरे में है। इस वक्त सिर्फ आप ही हो जो उन्हें बचा सकती हो माँ। प्लीज माँ, प्लीज उनकी जान बचा लीजिए। बचाएंगी ना? ये तो वैसा ही ट्रक है जैसा मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा था। रुको 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 रुक, ए गाड़ी बंद कर, चल पीछे का दरवाजा खोल। इसमें तो कोई भी नहीं है, ये शायद वो ट्रक नहीं है। तो उस रात वाले ट्रक का पता करने के लिए तो हमें नंबर प्लेट जानना जरूरी है ना। चलो नंबर प्लेट के बारे में सीसीटीवी फुटेज से पता करते हैं। चलो मोहिनी, वीर से कुछ पता चला कि अक्षय कहाँ है? वीर को कुछ नहीं पता है। इनफैक्ट अक्षय के गायब होने में वीर का हाथ है ही नहीं। वीर ने कहा और तुमने मान लिया? वीर मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि मैं रितिका का सच जानती हूँ और वीर मुझसे झूठ बोलने का रिस्क नहीं ले सकता। क्योंकि क्या? क्योंकि वीर जानता है कि मोहिनी आंटी की पहुंच बहुत दूर तक है। सुनील जी से मदद मांगने गई थी, क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने? अम्मा मैंने बात की है सुनील जी से, वो अक्षय को ढूंढने में हमारी पूरी मदद करेंगे। पर कब होगा ये? शाम से रात हो गई, रात से सुबह हो गई, अक्षय का अभी तक पता नहीं कहाँ होगा, कैसे होगा। ऊपर से ग्रहण लगने में सिर्फ 2 घंटे बाकी है। आप चिंता मत कीजिए अम्मा, हमने अभी हार नहीं मानी है, हम अक्षय का पता लगा लेंगे। अक्षय जहाँ गए थे ना, वहां आसपास कोई नहीं था सिवाय एक ट्रक के, और गुरुजी के हिसाब से अक्षय ना तो आसमान में है ना जमीन पर, बीच में। मतलब ये भी तो हो सकता है ना अम्मा कि अक्षय उस ट्रक में। बस उस ट्रक के नंबर का पता चल जाए। अगर सच में ऐसा कोई ट्रक है तो फिर मैं सुनील जी से कहती हूँ कि जल्द से जल्द वो ट्रक को ढूंढे। जिसको जो कहना है वो कहो, पर हम बता रहे हैं अब अक्षय को सिर्फ बिट्टी का तप भी बचा सकता। अम्मा अगर अक्षय के लिए तप करना है तो वो मुझे करना चाहिए, क्योंकि अक्षय की पत्नी मैं हूं, अपराजिता नहीं। किसी ना किसी शॉप की सीसीटीवी फुटेज में तो कैप्चर हुआ ही होगा ट्रक का नंबर। पर दिशा, इतनी अर्ली मॉर्निंग कोई शॉप खुली भी तो नहीं होगी ना? तो कोई बात नहीं, खुलवा देंगे शॉप। चलिए। निया, निया, आर यू ओके? तुम ठीक तो हो ना? आई एम फाइन। सर, सर इनकी कोई गलती नहीं है, आप इन्हें कुछ मत कहिएगा। रिलैक्स, मैं भी यहाँ तुम्हारी हेल्प करने ही आया हूँ, लेकिन ऑफिशियली नहीं। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब। मिया, मिया, ये क्या हो रहा है तुम्हें? कल रात से ना तुमने कुछ खाया ना कुछ पिया। कल्पना जी सर, आप एक काम करो, आप इन्हें घर लेकर जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे डैड को ढूंढना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिया मैंने बोला ना एक बार तुम यहाँ से घर जाओगे, मैं और इंस्पेक्टर अंकल है ना, हम मैनेज कर लेंगे। चलिए, यहीं पर है हमारा घर।
दिशा मेरे साथ है, हैंडल कर लूंगा, चिंता मत करो। साथ होने से क्या होता है? अगर किसी भी दुकान की सीसीटीवी फुटेज से उस ट्रक के नंबर का पता लग गया ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हेलो, टेम्परेचर और कम कर दो। क्या ये क्या बोल रहे हो? इससे कम किया तो बंदा दो घंटे में जमकर अकड़ जाएगा। हाँ तो अकड़ के मर जाने दो उसे। उसकी बेटियों को उस ट्रक का पता लग गया है, लोकेशन ढूंढने में लगी हुई है वो। मैं उन्हें ट्रक तक तो पहुंचने नहीं दूंगा, पर तब तक तुम अक्षय को ऊपर पहुंचा दो, समझे? और जो भी होगा मुझे कॉल करो। तुमने कहा था बिट्टी, मोहिनी आने तक इंतजार करो, क्या पता सुनील जी की मदद से अक्षय का पता तो लग जाता, ऐसे हुआ नहीं। अब बिट्टी सब तुम्हारे हाथ में है, तुम तब करोगी ना तो ही अक्षय बच सकता है। आप जानते हैं ना, हम एक मिनट नहीं लगाते हाँ कहने के लिए। हम ये तब करना चाहते हैं क्योंकि वो अम्मा के बेटे हैं, हमारे बच्चों के पिता हैं, पर हम पत्नी के नाते ये तब नहीं कर सकते। ना वो हमें अपनी पत्नी मानते हैं, ना हम। पंद्रह साल से हम सिर्फ अम्मा की बहू बन कर रहे हैं, अपने बच्चों की मां बन कर रहे हैं, अब पत्नी कैसे बन जाए? गुरुजी कहते हैं कि पत्नी के तप करने से उनकी जान बचेगी, अब कहां से लाए वो पत्नी वाला मन? हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम वो करें जो गुरुजी और अम्मा चाहते हैं, क्या वो जो सच्चाई है? आप ही बताइए हमको क्या करना चाहिए, आप ही जवाब दीजिए। जवाब मिल गया बेटी। एक स्त्री का सुहाग उसके सांसों से बंधा होता है। जब तक सांसें हैं ये धागे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। बस बेटी, इन्हीं धागों में तुम्हें अपनी साधना को पिरोना है। इस तप को आरंभ करने के लिए हमारे पास अधिक समय नहीं है बेटी, तुम्हें अतिशीघ्र निर्णय लेना होगा। सबको मोहिनी का गुरूर दिखता है,
उसका प्यार नहीं दिखता। तो आज सब देख लो। कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अक्षय को मैं प्यार करती हूं। इतना प्यार कि आज अक्षय की जान की सलामती के लिए अपना गुरूर ताक पे रख के तुमसे कह रही हूं अपराजिता, फिर अक्षय की जान बचा लो। मेरे होते हुए भी ये हक तुम्हें दिया जा रहा है। प्लीज मेरे अक्षय की जान बचा लो, ये तब कर लो अपराजिता, प्लीज। हम तब करेंगे। थैंक यू।